और जब से मेरे पास प्ले स्टेशन आया, आप में से बहुत लोगों ने बोला था मुझे कि ये सीरीज स्टार्ट करो भाई, बहुत मस्त सीरीज है। और मुझे इस गेम के बारे में इतना पता है कि टूम रेडर टाइप का गेम है। टूम रेडर मैंने खेला है, लेकिन इससे पहले मैंने अनचार्टेड अभी तक कभी नहीं खेला था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दो गेम मुझे नजर आ रहे हैं, एक तो है अनचार्टेड 4 अ थीफ्स एंड और दूसरा है द लॉस्ट लेगेसी। तो जो ऊपर में यानी कि थीफ्स एंड, उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और तब तक आप लोग एकदम फटाफट से लाइक कर लो भाई वीडियो को। और आपको बता दूं कि हफ्ते में अब 3 दिन वीडियोस आएगी भाई, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को 12 बजे दिन के टाइम में। ज्यादातर गेम स्लो म्यूजिक के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा है, स्टार्ट ही हुआ एक्शन म्यूजिक के साथ। ये आई थिंक हीरो है गेम के। मुझे चलाने दे तब ना मजा आएगा। ये दोनों तूफान में कर क्या रहे हैं? अच्छा पीछे और भी बोट्स हैं। चलो एक्शन स्टार्ट भाई, एक्सीलरेट करना है। अच्छा मुझे चलाने मिला है, वाह। सैम ने बोला आइलैंड की तरफ जाने, जो कि मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। ये लोग हैं कौन जो पीछा कर रहे हैं? कुछ पता नहीं है भाई, अभी कुछ क्लियर नहीं है। स्टार्ट ही हुआ एक क्लाइमैक्स के साथ। छोटे बोट्स को हम लोग उड़ा सकते हैं, अपनी बोट ज्यादा बड़ी है। अच्छा खजाने की खोज में आए हैं। अच्छा इसीलिए नाम है गेम का थीफ्स एंड। आदमी लोग को देखा कैसे उड़ उड़ के फेंका रहे हैं, बोट्स को तोड़ते रहना है जो भी मेरे सामने आए। किसी की भी बोट को आइलैंड तक नहीं जाने देना है। आगे जा कहाँ रहे ये भी नहीं पता है। बीच में मुझे एक पहाड़ नजर आया था भाई, उसके बाद आगे कुछ नहीं नजर आ रहा है। लो एक और बोट आ गई है, बस मैं टच कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था भाई। ओके एक बड़ी बोट, वो माइंस भी फेंक रहे हैं। किसी को आगे नहीं आने देना है। अरे ये तो फटेगा मेरे ऊपर, पहले अच्छा खासा गोली मार रहे थे, अब माइंस फेंकने लगे। ये छोटी बोट सही है, इसको रैम करके तोड़ सकते हैं। ओ भाई साहब, हम आके तो सारे सामने ही हो रहे हैं, ऐसे कब तक बचेंगे? ओ भाई मरा क्या मैं? फिर से खेलना होगा? नहीं नहीं नहीं, स्टोरी का एक हिस्सा है, मरा नहीं हूं मैं। ये बच तो गए हैं, लेकिन इतनी बोट्स जो पीछे आ रही थी, ये लो। क्या करने का है? पकड़ा और डाइव करना है, पानी के अंदर से होते हुए जाना है, बचा। ओ भाई टकरा जाता अभी उससे। फिलहाल तैरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। सैम रुका रहा यार, अच्छा दोस्त है। बोट के इंजन खराब हो गया भाई, अब जब तक सैम इंजन ठीक करेगा मुझे उसको बचा के रखना है। दिखते जाए उड़ाते जाना है। अच्छा एक और आया, ओ भाई यही छोड़ रहा था बोट में से बैठ के, इसने अपनी बोट को उड़ा दी। ओ भाई खतरनाक, ये गलती से हुआ या ये स्टोरी में होने वाला था? और लोग आ गए हैं, इनको भी उड़ाना पड़ेगा भाई। मशीन गन है यार सबके हाथ में। इंजन ठीक कर रहा है सैम। एक तो जिस गेम में हेल्थ नहीं ना दिखाया जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि आप मरोगे कब। कितनी गोलियां खाने के बाद मैं मरूंगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन फिलहाल अभी जिंदा हूं। ये मर गया, और कोई है? इंजन ठीक कर दिया है, बोट से भागना है, जल्दी से भागो भाई, खजाना मिलेगा। आइलैंड दिखा मुझे, अब मेरे को भी नजर नहीं आ रहा है कुछ खास, उल्टा होके जाना है भाई। सैम दिन के टाइम में आना चाहिए था, हाँ मतलब जल्दबाजी करने से क्या होगा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, बस मैं सीधा सीधा जा रहा हूं। मेरे राइट में कुछ आ रहा है, जलती हुई शिप, पता नहीं क्या हुआ। ये खतरनाक स्टार्टिंग हुई है जो भी हुआ है। अब हीरो के बचपन की कहानी दिखाई जाएगी। चलो सही है।
What are we going to do with you? You must be tired of these lectures. I know I'm tired of giving them. And now you have to stay here with me all weekend instead of going on the retreat with everyone else? I don't care. Yes, that is the crux of the problem. I don't see why I'm the only one being punished. Because you started the fight. He wouldn't give me back my book. I told you to leave those books in your room. You only have yourself to blame. Doesn't give him the right to just snatch it from me. Does that give you the right to start throwing punches? It wasn't just about the book. तो बच्चे नेट ने किसी से झगड़ा कर लिया अपने किसी दोस्त से? What was it then? Nothing. I'll save it for confession. बताया नहीं कि किस रीजन से उसको मारा था. No matter what I try, you seem insistent on going down the same sad road as your brother. What a waste. सिस्टर समझा रही है कि कितना भी मैं तुम पे ट्राई करूं लेकिन तुम अपने भाई जैसा बनते जा रहे हो. ये जो सैम अभी कहानी में था वो भाई है क्या नेथन का? ये नेट लगता है ऑर्फनेज में है. उधर से लाइट को चमका रहा था ना. हाँ सैम ही है आई थिंक. सैम? हाँ हाँ. लेकिन वहां तक जाएंगे कैसे? खिड़की से होते हुए उछल कूद अब करना स्टार्ट. तो जैसा मैंने बताया था टूम रेडर टाइप का गेम होने वाला है. वो लाइट चमकाया जा रहा है सैम. अच्छा कोई मैप भी नहीं दिया है. अपने ही से देखना है कहां जाना है. ये तो नीचे स्लिप करके आ गया. अच्छा ठीक है. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग टाइप का गेम होने वाला है. जितनी भी मैंने सीरीज बनाई भाई अभी तक ये सबसे अलग होने वाली है. इस वॉल से जंप करके जा सकते हैं ना. ये दोनों कोई खजाना ढूंढने जा रहे थे. अब ये बचपन की कहानी स्टार्ट हो गई है. कैसे ये लोगों को खजाना का पता चला और वो क्या खजाना है? हो सकता है अभी बचपन ही की कहानी से रिवील हो. यही खिड़की दिख रही है भाई. Okay, nice and quiet. फिर से हम लोग ऑर्फनेज के अंदर ही हैं. ये डोर नहीं बाहर पीछे लाइट दिख रही थी मुझे. इस दरवाजे से जाना है लेकिन सैम तो बाहर है. पता नहीं अब यहीं से होते हुए जाना होगा. और कोई रास्ता दिख रहा है नहीं. यहां थोड़ा शांति बना के चलना है वरना सिस्टर देख लेंगी मुझे. Isn't it our job to help boys like him? In the meantime, I'm neglecting the other dozen boys under my care. What do you want me to do? You know my opinion. I'm not ready to give up on him yet. You can't keep avoiding it. Look, I'll talk to him in the morning. Okay? Good night, father. Good night, Sister Catherine. ये फादर नेथन को सुधारना चाहते हैं. उनको लग रहा है कि ये लड़का अच्छा बन सकता है. नेथन ने उस लड़के को मारा क्यों था ये अभी तक नहीं पता चला है. पहले तो बोल रहा था कि बुक छीन ली थी उस लड़के ने इसलिए मारा. लेकिन और भी कोई रीजन था. जब मैप नहीं ना देता है तो जो भी खुला उधर दरवाजा दिखे भाई घुस जाओ उसके अंदर और चेक करो जाके. Wow, it's my file. नेथन की फाइल है. तो एडवर्ड नाम के लड़के को पीटा था नेथन ने जो कि इसकी किताब छीन के इसको कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था और इससे बड़ा था साइज में लेकिन फिर भी नेथन ने घूसा मार के उसको गिरा दिया था. Damn it. लॉक है. वहां तो सिस्टर गई थी. यहां से जाएंगे कैसे? कवर लेना है. Gotta get to that window. उस खिड़की से होके बाहर निकलना है. लेकिन यहां पे सिस्टर भी है. Come on. Move it, sister. जैसे ही उनका ध्यान भटकेगा साइड से कवर टू कवर लेके निकल जाना है. लेकिन सिस्टर कर क्या रही है? वेट करना होगा मुझे. सिगरेट जला रही. हो बाहर देखा. एक सेकंड का सिर्फ टाइम दिया था भागने के लिए. अब वहां से हटे तब ना हम लोग खिड़की के पास जाएंगे. मैं वेट कर रहा हूं भाई. सिगरेट फेंक दिया. I've forgotten my keys. Can you open the gate for me? Coming, father. चलो वो जा रही गेट खोलने. सामने मेरी मंजिल मुझे नजर आ रही है. जा सकता हूं मैं?
आई थिंक अब क्लियर है। ये देखो ये रहा सैम। हाँ भाई आ रहा हूं, वेट कर, कूद के जाना है। लाइट चमका रहा है दिखाने के लिए, क्योंकि मैप तो दिया नहीं है। इतना दूर जंप कर गया वायर। बचपन में ये हाल है, तो अभी जब बड़ा हो जाएगा तो फिर कहां कहां कूदेगा देखते रहो। कितना हिसाब से बनाया है, एक भी पीस अगर मिसिंग रहता तो आगे नहीं बढ़ पाते। अभी आगे तो पाइप पे, वाह वो भी टूट रहा है। अरे जल्दी भाई, इससे पहले टूट जाए। ले लाइट यहां पे। सैम कहां है? बैग भी छोड़ दिया। सैम कहां पे है? You gotta learn to watch your back. All right. Hey, it's good to see you, little brother. भाई है, सैम और निथन। What is that? Really? Again? It's nothing. You told me you'd stay out of trouble, though. He was talking shit about us. So? He said that Dad dumped us here because we're worthless, and Mom is in hell because... Nathan, come on. They're just saying it because it gets to you, all right? You just gotta learn to laugh it off. You wouldn't. Well, do as I say, not as I do. Here. You'll catch a cold. अच्छा वो लड़का नेथन के मॉम डैड का मजाक उड़ा रहा था। So, what are you doing here like this anyway? If the nuns catch you, they're gonna call the cops. Well, I got something for you, and I couldn't wait till Christmas. What? It's outside. What happened to us staying out of trouble? This is an exception. Mm-hmm. सैम कुछ गिफ्ट लेके आया है नेथन के लिए। Come on, yeah, give me your hand. अब मैं वही सोच रहा था भाई कि ऊपर नहीं कूद पा रहा हूँ। Right? This is just feeding you enough. सैम को फॉलो करना obviously. Where is everyone? Some Bible retreat. Yeesh. I remember those. सैम जो गिफ्ट लेके आया ना नेथन के लिए वो बाहर है, इसलिए ये दोनों बाहर जा रहे हैं। How's Father Duffy doing? He's the one decent guy in there. You should come and say hi. Nah, I don't need the guilt. सैम भी यानी इसी ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था। This way. सैम को फॉलो करते रहना है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है भाई ये। That was easy. सैम बहुत ही आसानी से ये सब कर ले रहा है, लेकिन नेथन को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ग्राफिक्स कितना खूबसूरत है भाई इस गेम का। You didn't prop it. I did. At least I thought I did. No, it doesn't matter. We're gonna take the high road. The high road? Just follow me. हाँ मतलब अभी तक फॉलो ही कर रहे हैं। And now? We take the high road. अब और ऊपर से ये लोग जाने वाले हैं भाई। Have you done this before? Once or twice. सैम तो चला गया। Here, come on. Your turn. अच्छा अब मेरी बारी है। ये सब बटन्स याद रखने होंगे मुझे, किससे क्या कर रहा है। ये अभी बेसिक मूव सिखा दे रहे हैं ये लोग, जो पूरे गेम में काम आने वाला है। सैम तो लपक लपक के भाई चढ़ जाए। अच्छा वापस रस्सी खींच ली। So, what you been up to? Working mostly. You still dating that girl? Oh, Crystal? On again, off again. Currently off again. तो सैम की जो गर्लफ्रेंड थी उसके बारे में पूछ रहा है नेथन। काफी क्लोज है दोनों, क्योंकि छोटा भाई है नेथन, लेकिन फिर भी बड़े भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा है। वाह। Okay. No guts. No glory. ओ भाई कहाँ कूद गया यार? उतना दूर कूद पाएगा? कूदा ही नहीं। Just don't think about it. You got this. मुझे भी कूदना पड़ेगा, पीछे से आता हूँ भाई। चलो ठीक है, कूदो। बचा। सैम गिफ्ट देने आया या मेहनत करवाने आया है भाई? No big deal. Yeah. Nothing to it. Stay with me. इतनी मेहनत करवाने के बाद एक प्लेन तो दे ही देना बेचारे नेथन को।
कुछ भयंकर ही गिफ्ट देना, वो खजाने को हो सकता है पता बताए, तभी इतनी मेहनत करवा रहा है भाई ये। फॉलो करते रहना है सैम को, ये कहां से घुसते हुए जा रहा है। अच्छा क्राउच करना है, फिर से कहीं पे कूदना है, ठीक है तैयार इस बार नेथन। सैम को यहाँ का पूरा रास्ता याद है, एक दो बार यहाँ से आ जा चुका है सैम। ये देखो कहाँ रस्सी फंसा रहा है। You ready, Tarzan? मुझे जाना है पहले, चलो ठीक है। Yeah. All right, go ahead. ऊपर नहीं, सामने कूद के जाना है। ये तो बड़ा आसान था। सब देख लो भाई और सब याद कर लो, क्योंकि पूरे गेम में अब यही काम आने वाला है। जल्दी आ भाई ऊपर, बता आगे कहाँ जाना है। सैम जाओ भाई आगे, इसी को देखते देखते मुझे फॉलो करना है। मैप क्यों नहीं दिया है? आई थिंक इस गेम में मैप नहीं देता है शायद, बस दिखा दिया जाएगा कहां तक जाना है और फिर अपने से पहुंचना पड़ेगा। Up the steeple. Come on. I can't jump that high. Just go around the corner. बेचारा ऊपर उछल के नहीं जा सकता था, इसलिए साइड से होते हुए मैं जा रहा हूं ऊपर। It's a nice view, huh? Yeah. Not bad. व्यू तो अच्छा है, लेकिन अभी भी हम लोग अंदर ही हैं, बाहर जाना है अपने को। You ever been up here before? This particular one? No. But you do know where you're going, right? More or less. यार ये गेम स्टार्ट हुआ था, बोट चला रहे थे हम लोग, गोली चला रहे थे, तैर रहे थे, अभी देखो क्या कर रहे हैं। तो ये खतरनाक गेम होने वाला है। Watch me. स्लाइड करते हुए, अच्छा जंप भी कर दिया, वाह डेंजर। मेरा टर्न है, कर पाएगा नेथन? स्लाइड करना है और एंड में पहुंच के कूद जाना है। कूदो भाई। सैम ने फिर से बचा लिया। अभी तक लेकिन बाहर नहीं आया भाई, ठीक है सैम को फॉलो करते रहना है। फॉलो मी। हाँ बोलने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे भी फॉलो ही कर रहा था। रोड लेकिन अब नजर आने लगा है। you know अब नेथन रस्सी फंसाना सीखेगा, यानी कि मुझे ही सीखना है। really? Yeah, really. I'll follow your lead. अच्छा अब ये मुझे फॉलो करेगा, वाह ये झूलने में बड़ा मजा आ रहा है। मैं कूद के वहां नहीं गया, इस बार ही चला जाऊंगा। अच्छा लग रहा है यार। ओके स्पाइडरमैन अपने वेब से झूलता है, ये लोग रस्सी लगा के झूल रहे हैं, चलो ये भी ठीक है। After you. फाइनली बाहर आ चुके हैं दोनों भाई, अब पता चलेगा वो क्या गिफ्ट था जिसके लिए सैम ने इतनी मेहनत करवाई। Just like that, we're out. All right. Check it out. Huh? Whoa, you got the 250? 250? What are you talking about? No, this is the 500cc twin. No way. Yeah. Where'd you lift it from? Whoa, that's a low blow. But hey, I'll have you know that I am a changed man. Bought this with hard-earned cash. Here, come on, take a seat. नेथन ने पूछा कहां से चुराया भाई बाइक, ये गिफ्ट था। What? The only time you pull a stunt like this is when you're trying to make up for something. सैम ने कुछ गड़बड़ की है। You are too smart for your own good, you know that? All right. I got this job. Pays well. Really well. But I gotta leave town for a little bit. What's a little bit? Like a year. At the most, and then I'll be back before you even know it, all right? You're bailing on me. Come on, don't be so dramatic. What, so it wasn't bad enough to leave me in that place? How could you do this to me, Sam? Wait, I'm doing this for you. The money I make is for the both of us. And then in a couple of years, couple when you're out... years?
take me with you. I can barely support myself. I'll pitch in. I know you think the orphanage sucks. You have no idea. Yeah, but it's the best thing for you right now. Right? You just gotta trust me on that one. It's not fair. Yeah. Nothing about our lives has been fair. But we've made it work. Right? Sure. Well, you know, the bike wasn't the only surprise. And I guess I'm gonna have to ruin the next one. What? I found Mom's stuff. Everything that Dad sold, I tracked down the buyer. If you're saying this just to make me feel better... No, I swear to God. Where? On the other side of town. What do you say we go and get it back? You mean steal it? It's not stealing if it was ours to begin with. I'm pretty sure the cops aren't gonna see it that way. Well, then let's not get caught. सैम को एक जॉब मिल गया है जो कि शहर से बाहर है, इसलिए इसको जाना पड़ेगा शहर छोड़कर, और फिलहाल दोनों चोरी करने जा रहे हैं। You ready for this? Hell yeah. जवान हो गया नेथन, और जेल में भी है। वाह, यहाँ भी लड़ ही रहा है भाई साहब। इंग्लिश में लगी पड़ी है और स्पैनिश बोल रहे हैं अब, ये तो समझ से परे। Let's go. फाइट करना है इससे, अब ना आएगा मजा। ये तो अपनी स्पेशलिटी है भाई, सिर्फ एक ही बटन दिया है मारने का। देखो अच्छी बात है तो ये स्पैनिश में नहीं बोल रहा होगा। डॉज करने का बटन मिल गया, लेकिन जब तक ये मुझे मारेगा नहीं तब तक मैं डॉज नहीं कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई, जब ये पंचेस मारेगा उसको डॉज करने का कुछ नहीं है क्या? ओह अरे, ये लंबर जैक मैच था, मुझे पता ही नहीं है। यानी अगर मैं इन प्रिजनर के पास भी गया ना तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे मारने के लिए, और बीच में ठेलते रहेंगे। सिर्फ मुझे ही नहीं, ये जो टकलू भाई साहब मुझसे लड़ रहे हैं, इनका नाम मैंने सबटाइटल में देखा गुस्तावो, इनको भी मारेंगे। तो एक काम करते हैं ना, इसको मार पीट के भेज दिया जाए दूसरे कैदीलों के पास। अरे छोड़, पता नहीं क्या बोले जा रहा है भाई। नाक का खून भाई छाती में लगाया, बैड एस। ये स्पीयर था भाई, स्पीयर नहीं है इसने। टेक डाउन पंचेस मार रहा है, नहीं नहीं डॉज या रिवर्स का बटन नहीं दिया है। जब तक ये मुझे मारेगा नहीं तब तक मैं इसको हटा नहीं सकता हूँ। हाँ सही बात है, अब मेरी बारी। Right, little guy? Voy a matar a mi hijo como mierda. Hey, give me a call when you're tall enough to ride the rides. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cállalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? गार्ड्स ने आके फाइट छोड़ा दिया है, और अब नेट को आई थिंक कि किसी काल कोठरी में लेके जा रहे हैं ये लोग, बाकी सारे कैदी लोग से अलग। मतलब जो भी फाइट करता है या कोई भी नियम तोड़ता है जेल में, ये देख लो। आबरे, यहाँ लाइट तक नहीं आने वाली है। How long am I supposed to be in here? Huh? Where's the toilet? You looking at it? Acha. Have fun. I will. Oh, bhai. Isi mein toilet, isi mein sab kuch hai, bhai. Nate yahan bhi mazay karega. Nate bhi kam nahi, matlab orphanage mein tha, wahan par bhi fight karte rehta tha sabse, kisi se back down nahi karta apna hero. Abhi andhere mein baithe rehna hai. Sam kahan hai? Ye ab jawani mein aa gaye. Matlab bachpana ka dikha diya kya hua? अब ये जवानी में आ चुके हैं हम लोग। और वो जब ये लोग खजाना लूटने जा रहे थे उस टाइम तो ये और बड़ा दिख रहा था, यानी कि नेट। Get up. तो यानी वो सीन अभी हुआ नहीं है। Man, I was having a great dream too. Hey. All right, easy. गार्ड्स के साथ भी पूरी मस्ती कर रहा है नेट। अब जेल से नेट या तो भागे या फिर सैम बचाने आएगा भाई नेट को। जेल आया क्यों ये भी नहीं पता है। All right, calmate. स्टार्टिंग में सैम को फॉलो कर रहे थे, अब फॉलो करेंगे भाई प्रिजनर गार्ड को। Any chance I can take a shower? भाई स्पैनिश नहीं समझ में आ रही है, अगर मैं वापस जाता हूँ तो ये गार्ड रोकेगा क्या? अच्छा बना है। Morning boys, or is it evening? Sorry to tell down here. Oye idiota, get up the stairs. Idiota मतलब तो भाई समझ में आ रहा है, idiot बोलना चाह रहा है। Viene saliendo un prisionero, abran las rejas. ये गार्ड लेके जा कहां रहा है भाई, ऐसा क्या कर दिया था? Hey, nice to see you.
अच्छा मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो कोई मुझे मारेगा क्या? नहीं, लेकिन जैसे ही मैं पीछे जाऊंगा ना, धक्का देके मुझे आगे भेज देगा। Right. Humid. Welcome to Panama. Hey, gringo. Vi lo que hiciste a Gustavo. ओ भाई, ऐसा लग रहा है ना जिसको मारा था ना अभी नेथन ने, गुस्तावो, वो इन सब का लीडर है, इसीलिए ये लोग भड़के हुए हैं। सबसे लड़ना है क्या अभी? वो भी कर लेगा नेथन। Looks like you have some fans. Yeah, my adoring public. बहुत सारे फैंस बन गए नेथन के। इन सब के लीडर को मार दिया भाई। ये गार्ड कहीं गोली तो नहीं मारने वाला है? Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. दोनों गार्ड्स हंस रहे हैं, कोई प्लानिंग की है दोनों ने। You speak a little Spanish, you know. Wait, what did you say? You'll find out soon enough. अच्छा, जल्दी पता चल जाएगा कि दोनों ने आपस में क्या बात की। अच्छा, यहाँ पे कुटाई होती है कैदी लोग की। एक कुटाई रहा है। ये रैबिट के साइज के चूहे तो उड़ रहे थे क्या आगे? ओ भाई, Where you taking me anyway? You'll see. बता रहा नहीं कहाँ लेके जा रहा है मुझे। पता नहीं क्या कांड करने वाला है भाई मेरे साथ। खुफिया दरवाजा। After you? ये डेफिनेटली गोली मारने ले जा रहा है। Yeah, this isn't sketchy at all. नेथन को भी शक हो रहा है कि कुछ तो कांड है। Hey, you know, this doesn't look like the warden's office. Go left. Yeah, mind it. उस साइड तो बंद है, लेफ्ट जाने बोला है, लेफ्ट यही है। अब यहाँ से through here? सामने डोर तो दिख रहा है लेकिन आई थिंक बंद है। हाँ, लेके आ गया ये, जेल से बाहर लेते आए क्या? Alright. Hey, take these cuffs off or what? I want in. ये मिला हुआ है अपने साथ। In? Whatever you hope to find up there, I want in. Come on, Vargas, the deal was just to get us in and out of here. That's it. Just? I'm sticking my neck out for you, gringos. Yeah, and Rafe is paying you a lot of money for your trouble. See? तो इस गार्ड को पैसे दिए थे नेथन और रेफ नाम के आदमी ने? But not nearly enough. You were told not to open that. Yes. I was also told not to take bribes, not to bring anyone here, and not to beat on my inmates. But here we are. Just be careful with that. It's 300 years old. और नेथन यहाँ पे कोई खजाने की तलाश में आया है, लेकिन इस गार्ड को भी उसमें हिस्सा चाहिए भाई। I was a member of Captain Henry Avery's crew. You know who that is? He was a pirate. The pirate who pulled off the biggest heist in history and got away with it. I looked him up. It's great. Over $400 million worth of gold and jewels, all from one single ship. The Gunsway. Yeah. I'm familiar with the story. Can you get to the point? Uh-huh. I occupied the highest cell in the Spaniards' prison. Here. I hope someday you will find your way into this infernal place, bear my cross, and discover the riches of paradise. $400 million का सोना है। What? What do you want? The riches of paradise. Oh, it's a metaphor. No. You and your friends did not pay to get into this infernal place in search of a metaphor. I want in. Right. I tell you what, let me go up there, check out the prison cell. If there's still anything there after 300 years, you can take this up with Rafe. Now, come on. 300 साल पहले का खजाना है यहाँ पे। Letter. Por favor. How are you gonna get up there, anyways? Climb. Oh, unless, of course, you want to do it since you want in and all. Just don't break your neck. That's the plan. Hey, did you bring what I asked? Yeah, eat it just over there, under the work table, by the crates. Great, thanks. तो नेथन का कोई सामान लेके आया है जो कि क्रेट्स के पास रखा हुआ है। तो नेथन और रेफ नाम का आदमी इस प्रिजन के अंदर इसीलिए आए हैं क्योंकि एक पायरेट था जिसका नाम था हेनरी, उसने 300 साल पहले 400 मिलियन डॉलर्स के लगभग गोल्ड और ज्वेल्स चुराए थे भाई, $400 मिलियन के।
और उसी का एक क्रू मेंबर इस जेल के अंदर बंद था। तो इस पूरे जेल का जो टॉप प्रिजन है अपने को वहीं पे जाना है और उस क्रू मेंबर का वहां पे एक क्रॉस रखा हुआ है और शायद कोई क्लू मिलेगा कि 400 मिलियन डॉलर्स का खजाना कहां पे छुपा हुआ है। लेकिन पहले ऊपर जाने का रास्ता तो दिखे, फिलहाल तो यहीं से चढ़ने का दिख रहा है। तो जो स्टार्टिंग में हम लोग ने देखा था ना, नेथन और सैम जा रहे हैं खजाना लूटने, तो यही वो खजाना था। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना, अगर आप लोग को 400 मिलियन डॉलर्स का खजाना मिल जाए तो आप लोग क्या करोगे? और सच वाला बताना, ये नहीं कि भाई सारे पैसे बांट दूंगा। नेथन को ये सब बड़ा आसान लग रहा है। यहाँ पे मेरा कोई सामान रखा हो, ये क्या है? कुआं? नहीं, नीचे कूदने का है। कुछ है क्या यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, खाली। चलो भाई ऊपर चला जाए। यहाँ पे कोई सामान रखा है गार्ड ने नेथन का, आई थिंक वो जो रस्सी नहीं थी या फिर कुछ हथियार होंगे। गन वन दे दो यार, क्योंकि कभी भी फाइटिंग हो सकती है यहाँ पे। इसको पकड़ने का ऑप्शन दे। अच्छा मूव करना है, यहाँ पे लगाना होगा ताकि ऊपर चढ़ सके। लेकिन नेथन का सामान कहाँ है? आ, मिल गया, सिर्फ रस्सी, नो गन। Now we're in business. मतलब ठीक है, इससे तो ऊपर मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन गन दे देनी चाहिए थी यार कम से कम। वो गार्ड वहां पे आराम कर रहा है, टहल रहा है। अच्छा गार्ड की नियत बिगड़ गई भाई। नेथन का जो भी पार्टनर है रेफ, जो साथ में आया है, उसने गार्ड को पैसे दिए थे कि इन दोनों को वो जेल के अंदर लेके जाए और फिर काम होने के बाद जेल के बाहर लेते आए। सेल मुझे दिख गया है, वहां जाएंगे कैसे? वही कूद फान के भाई, और क्या। चलो स्पाइडरमैन अपने काम पे लग चुके हैं। हाँ तो उस गार्ड ने जो लेटर पढ़ लिया ना, उसको सारा राज पता चल गया और अब वो हिस्सेदारी मांग रहा है। समुद्र में गिरने से मरना तो नहीं चाहिए, लेकिन गेम खत्म हो जाएगा फिर भी। यार 400 मिलियन डॉलर्स की बात है, किसी की भी नियत बिगड़ सकती है। गार्ड की शक्ल से मुझे लग रहा है धोखा देगा वो। ये टूट गया, ये क्या बात हुई? मतलब ऐसे कुछ भी टूटते रहेगा। टूम रेडर इसी टाइप का गेम था, लेकिन उसमें हीरोइन आई थिंक चोरनी नहीं थी। ये लोग खजाना लूटने के चक्कर में और ये लोग चोर हैं। स्लाइड डाउन देयर, लुक ऑन दैट पोस्ट, प्रोबेबली। स्लाइड करते हुए नीचे जाना है, जैसे ही नीचे पहुंच जाऊंगा रस्सी अटकाना है वरना नीचे। बहुत बढ़िया। Wait till Sam hears about this. नेथन बोल रहा है कि सैम को बताऊंगा जाके ये कहानी, उसको भी सुनने में मजा आएगा कि क्या क्या कांड करते चल रहा है। हाँ जाना तू ऊपर ही, क्यों मस्त सीन है भाई, खतरनाक। लेकिन नीचे नहीं जा सकते हैं, जाना अपने को ऊपर है। ये सब जो वॉल्स में गड्ढे पड़े हुए हैं वहीं से जाना है, लेकिन साइड में तो जगह नहीं है। हाँ ये तो रही, वाह। मतलब कहीं इशारा भी नहीं दे रहे हैं कि हाँ ऐसे जाना है, अपने से देखो और समझो कि कहां से होते हुए जाना है। हेनरी ना शिप का पायरेट था, यानी कि अगर आप नहीं भी समझ रहे हो तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन तो देखा ही होगा, शिप के डाकू थे वो लोग। बर्न्स नाम था उस क्रू मेंबर का, उसको मार दिया गया यहाँ पे और यहीं पे उसको रखा गया था। और अभी जो कुछ देर पहले 300 साल पुराना लेटर नहीं पढ़ा था, उसी के हिसाब से बर्न्स ने कोई क्लू छोड़ा है अपने सेल के अंदर। बहुत बढ़िया, इसी के अंदर जाना है ना, और तो कोई ऑप्शन दिख रहा नहीं है। कोई लेटर रखा हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ा जाए। Yeesh. I thought the modern prison was bad. जब वो कैप्टन एवरी के क्रू मेंबर्स को लटकाया जा रहा था तो किसी गार्ड ने ये लेटर लिखा है कि कैसे सारे पायरेट्स डर गए थे एक को जब फांसी लगी तो। चलो ठीक है, लेकिन अपने को जाना है आगे। यहां से कहां? अच्छा इसमें रस्सी क्यों फंसाने का ऑप्शन दे रहा है? ओके इसको खींच के तोड़ना है, इस काम भी आती है भाई ये हुक और रस्सी। सही है, सब कुछ ध्यान में रखना क्योंकि आगे ये गेम में बहुत काम आएगा। मतलब कितने खतरनाक जगह लटका हुआ है, लेकिन नेथन को बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। लेकिन सही में यार
व्यू तो बहुत अच्छा है, पर व्यू एंजॉय कब करते हैं? ऊपर चलते हैं, फिलहाल सबसे ऊंचा प्रिजन अपने को ढूंढना है। Oh man, Sam is missing out. यही तो है, I think. यही है ना? Burns' cell. यही सेल है. Cell? More like a suite. Okay. Where to begin? यहाँ पे कोई क्लू है? Sun and moon. Alchemy symbols for gold and silver. Wait a sec. I saw something like this on the letter. सन और मून जैसा कुछ बना हुआ है लेटर में भी। Well, that's part of the symbol. इसको फ्लिप करना है। There's the other half. Now then. फिर से फ्लिप करना है, ठीक है? आधा तो सिंबल बना हुआ है। That's more like it. Okay, got a zodiac symbol. Sagittarius and the Scorpio sign. यहाँ पे और क्लूज ढूंढने हैं। चलो भाई सीआईडी खेलते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये सब खोलने का ऑप्शन आ रहा है। 10 and 2, X and II. कुछ तो मिला नेथन को। ड्रॉस बर्न्स ने बोला था ना क्रॉस मिल जाएगा। देखना फैक्टिस रेकिपिमोस। इस पे किसी तरह का इंस्क्रिप्शन भी है और भी कुछ रखा हुआ अंदर। मैप खजाने का। Guess this is it. और कुछ नहीं था। Time to head back. अब वापस जाना है गार्ड के पास जिसको हिस्सेदारी चाहिए। देखो उछल कूद के आ तो गए थे लेकिन अब जाएंगे कैसे? Gotta watch that first step. भाई ये हुक में लगी हुई रस्सी नहीं होती तो अपन क्या करते? कहीं भी आना जाना मुश्किल था। आगे जंप करके जाना है। बस बस एक बार और। ऐसा लगता है ना नीचे गिर आएगा लेकिन गिरता नहीं है नेतन। I guess this is it. अब कहाँ? भाई सब तो टूटा हुआ। अच्छा नीचे जंप करके फिर स्लाइड करते हुए जंप करना है। सही बात है, रेफ कर पाएगा? पता नहीं रेफ है कौन। इसका कोई पार्टनर लग रहा है नेथन का। There goes my shoulder. There's Vargas. I want a cut. I want in. I'll give you in. नेथन मजाक उड़ा रहा है। वार्गस जो गार्ड नहीं था उसको हिस्सा चाहिए इसमें, यानी कि खजाने के अंदर, तो नेथन नहीं देने वाला है। नेथन उसको उड़ा नहीं दे कहीं। भाई फिर बाहर कैसे जाएंगे हम लोग? अभी भी जेल के अंदर ही हैं, पता है ना? यहाँ पे अगर कोई बोट रखी रहती तो आराम से निकल सकता था नेथन। फिलहाल ये जो क्रॉस है ना इसी से पता चलेगा खजाने का। ये जो बर्न्स ने बोला था कि उसका क्रॉस मिल जाएगा तो उसी से 400 मिलियन डॉलर्स का खजाने का पता लग सकता है। जाने का रास्ता तो इधर ही से लग रहा है मेरे को। जिधर से आए थे उधर ही से चले आते भाई। Now we're talking. नेथन को इतना काम करते हुए देख के ना मुझे थकान लग रही है। ओह भाई मंजिल तक पहुंच गए अपनी। सैम कहाँ है? लेकिन सैम नहीं आया अभी तक। You made it. What you find? Greg? लगता है नहीं बताएगा। What? Place was picked clean. There's a clue hidden up there somewhere. I couldn't find it. Are you sure? Were you looking in the right place? Maybe I missed something in the letter. It could have been another tower that collapsed centuries ago. Nathan ne jhoot bol diya. Kuch nahi mila aisa bol raha hai Nathan. There any plans at this place? You know, like blueprints? Could be. There's a bunch of old files. Okay, great. Go look through those, okay? See what you can dig up. Meanwhile, I'll talk to Sam. He's our Avery expert. Maybe he can make sense of this whole mess. Right. I'll look through the files. Yeah. Turn around.
क्या मस्त एक्टिंग कर रहा है भाई, एक्टिंग ओपी कर लो एक बार चैट में। ओहो हो, नेथन ने क्या एक्टिंग की झूठ बोलने की, और बोला कि सैम से बात करेंगे, यानी कि सैम भी प्रिजन ही में है। When you're done talking to him, come and find me. You got it. Gringo, if I catch you fighting one more time, 1 week in the hole for you. Some nice acting, boys. Almost as good as mine. नेट मस्ती ले रहा है भाई फिर से, बोला अच्छी एक्टिंग की वार्गस, लेकिन मैंने भी उतनी अच्छी एक्टिंग की झूठ बोलने की। हिजो द पुता, ये रहा सैम प्रिजनर लोग के साथ खेल रहा है। Lo siento chicos, tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Jesus, they worked you for good, you all right? Just another day at the office. Come on. Hey, whoa, whoa, whoa. You're gonna keep me in suspense, are you? You were right. No, we were right. No. You just gotta find Rafe. No, Rafe. Don't start, please. Oh, come on. Like you said, we did this. You and me. Now this rich asshole comes in on the tail end. How long have we been trying to get in here? We had some leads. No, we didn't. Okay, not one. So like it or not, no Rafe, no Vargas. And no getting in here. Speaking of Vargas, we got a problem. What kind of problem? Yeah, Riff. Did he let you into the old prison? Yeah, he did. All right. After he read the letter. Nathan वही बता रहा है कि देखो अब गार्ड को भी हिस्सा चाहिए खजाने में से. Hmm. So how much does he know? Enough that he wants a cut. Shit. Rafe, if anybody else finds out about this, I'll work it out with Vargas. Don't sweat it. Right now, let's get on to more important matters. All right. Let's find somewhere a little more private. पहले खजाने का पता तो चले। नेथन ना रीफ को नहीं चाहता है कि उसको खजाने में से हिस्सा मिले, लेकिन वही स्पॉन्सर कर रहा है, यानी कि गार्ड से भी सेटिंग उसी ने की थी और पैसे भी उसी के लगे हैं। All right, coast is clear. Okay, so what do we got? Oh shit. Huh? Hey. May I? Just be careful, okay? Wood with gold and silver inlay. It's well made. It's hollow. Why would one of Avery's men go through the trouble of hiding a cheap crucifix? It's not a crucifix. Technically, a crucifix is a representation of Jesus. It's not Jesus. Well, you're right. There's no crown of thorns. He's tied to the cross. Well, if it's not Jesus, then... Read the inscription. Digna factus recipimus. We receive. You receive the due rewards of our deeds. Yeah. Look at you. That's the benefit of growing up in a Catholic orphanage. That's St. Dismas. Yeah, the penitent thief. What's the connection? Guys, let's just pretend I skipped all of Sunday school. During the crucifixion, Jesus is placed between two thieves, okay? One of them mocked Jesus. The other one, this guy, was penitent. He accepted his punishment with grace. And Jesus brought him to paradise. Penitent thief. Yeah. What? You figured it out? There is a cathedral of St. Dismas in Scotland. Wait, the last sighting of Avery was in Scotland. That can't be a coincidence. No. Scotland mein khazana. You know, I have my doubts about you too. Let's find Vargas. Get the hell out of this shithole. अब यहाँ से निकलना होगा, लेकिन गुस्तावो आ गया है. Let me guess. This is the guy you picked to fight with. Didn't know he had so many friends. Le dije que no habíamos terminado. और बहुत सारे दोस्त भी लेके आया. Esperaste, okay? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sales? You know why? Tú no te metas. Okay. शुरू किया जाए फिर. खजाने का पता लग गया था, अभी आराम से यहाँ से बाहर निकल जाते और खजाना ढूंढते, लेकिन नहीं, जीजी से लड़ रहा नहीं था भाई। नेथन को क्या पता था कि इतना पॉपुलर आदमी है यार गुस्तावो, इतने सारे कैदी आ गए उसके लिए लड़ने के लिए। सही है, मीन गुस्तावो है कहाँ? सारे गुस्तावो ही जैसे मुझे लग रहे हैं।
उधर से सैम मुझे बताया भी जा रहा है कि कैसे मारना है। अरे वाह, ये तो उड़ उड़ के मार ही रहा है नीथन, बताने की क्या जरूरत थी। सैम को किसी ने पकड़ रखा है, रुको मैं आ रहा हूँ। सैम छोड़ मेरे भाई को, दो दो आदमी लोग भी मिल के मार रहे हैं, फिर भी नीथन छाया हुआ इस फाइट में। गुस्तावो कहाँ छुपा हुआ है? ये गुस्तावो है क्या? गर्दन पकड़ रहा है, हट। अरे सैम मेरे आने से पहले क्यों मार दिया? ये रहे मेन लीडर भाई साहब, इसको लगा डाला ना भाई तो लाइफ जिंगा लाला। फिर जाएंगे खजाने की तलाश में, बाकी सबको मारना आसान था, ये लीडर है ना। मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था यार इसने। लो सैम मदद। वार्गस आ गया, वार्गस ने बचा लिया भाई। Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alíñense. वार्गस अभी नहीं आता, तीन तीनों की बैंड बज जाती है अभी। ¿Qué es esto? अरे dame. वार्गस को पता चल जाएगा कि झूठ बोला था नेथन ने। You bringing in contraband? Vargas. Cállate. Who do you think you are? Llévalo a su celda. Trae los gringos a mi oficina. वार्गस को पता लग गया कि नेथन झूठ बोल रहा था, कुछ नहीं मिला है वहां से, और अब तो भाई ये खजाने में हिस्सा लेगा। चलो चौथा पार्टनर मिल गया है, $400 million, चार पार्टनर। देहनोस, सही है। देहनोस। बाकी सब गार्ड्स को नहीं पता है कि ये बिक चुका है। Took you long enough. We almost got killed, you know. You still might. ओ भाई, गन निकाल ली इसने। Seriously? Oh, I didn't find anything. It must be in a different tower. Well? How can I say? I was raised Catholic. I always carry one. Funny. Hey, look. It's worthless, all right? You think I'm an idiot? Okay, you want to renegotiate, fine. Stop acting like a third world thug. Put the gun away. रेफ ने बोल दिया कि ठीक है चलो नेगोशिएट करो, खजाने में से इसको भी हिस्सा दे देंगे। थैंक यू, वी आर विलिंग टू गिव यू 10%। लालच। थिंक हाफ, वी आर डूइंग मोस्ट ऑफ द वर्क, 20, एंड यू'd नेवर फाइंड इट विदाउट अस। 25 इक्वल्स, सबका परसेंटेज 25। That sound fair, guys? Suppose I can live with that. Sure. I mean, 400 million divides nicely by four. Sahi. Looks like we have a deal. Yes, we have a deal. Sabka 100 million dollars. And if you ever cross me again. Oh, bhai. Rafe to zyada dangerous aadmi nikla. Guard ko maar diya aur goli bhi chal gayi. That's that. Are you out of your goddamn mind? You want to find out? Guys, what are we doing here? We're sticking to the plan. Was this part of the plan? Just follow me. अब इसको follow करना है। Come on! हमेशा किसी ना किसी को follow क्यों करना है? Damn it! Rafe, where are we going here? The lighthouse. Vargas said the boat is right under the lighthouse. But which way? I don't know. We'll get outside and figure it out. बाहर निकल के कोई बोट रखी भी है, अब इसके पीछे पीछे भागना है। Nathan, give me a hand. खिड़की खोलनी है। मशीन गन चल रही भाई, और अपने पास कोई गन नहीं है। रेफ ने एक गन उठाई थी। अब सोचने समझने का टाइम नहीं है यहाँ पे, एक गलती और मर जाऊंगा मैं। बस सैम को देखना है और फॉलो करते रहना है। सारे गार्ड्स पीछे पड़ गए हैं, वो तो मेरे लिए अच्छा है कि सामने वाले गार्ड का निशाना अच्छा नहीं है। घेर रहे चारों तरफ से भाई, दरवाजा बंद, गलत टाइम पे।
अच्छा वहां से कूद के जाना है, जब गन नहीं रहे पास में और सिर्फ भागना रहे तो इसमें मजा बहुत आता है। सारे डोर बंद क्यों हैं? मैं ये लैडर नीचे कर दे। ओ भाई गोली लग गई। पीछे रहने से बहुत नुकसान हो रहा है, सबके हिस्से गोली मुझे लग रही है। ये लो एक और मुसीबत, मैं अकेले फंस गया। ओहो हो गार्ड्स भी आ गए। चलो ठीक है। अरे इतने सारे गार्ड्स है, थैंक गॉड सैम आ गया। भाई है ना वो तो आता ही, रेफ नहीं आया वो भाग गया वहां धोखेबाज। नेथन उस पर सही यकीन नहीं कर रहा था। चल भाई, ओहो हो डबल स्लैम। सैम भरोसा करता है लेकिन इतना भी भरोसा नहीं करता है। अगर ये लोग टाइम पे नहीं पहुंचे वो भाग जाएगा छोड़ के। He's gonna leave without us, isn't he? Not if we're quick. Come on, after you. वही बात बोल रहे हैं ये लोग भी। वो बोट लेगा और फरार, फिर जेल में सड़ेंगे दोनों। They're everywhere. Just keep going. Okay, looks clear. Damn it, this place is like a maze. Yeah, it's like they don't want us to leave or something. After this, I'll stay out of prison for a while. Oh shit, guard! Guard! लेकिन रेफ आ गया, बचा लिया रेफ ने। Good to see you. Get down that ladder. चलो फाइनली कोई तो काम आया। लैडर नीचे कर दे भाई। There's the lighthouse. इस बार ही देखा मैं पहले आया हूँ भाई। जब बच्चा था नेथन तो ऑर्फनेज से बाहर निकल रहा था सैम के साथ, और अब प्रिजन से बाहर निकल रहा है। ये हमेशा बाहर भागने का लोचा होता है भाई, लेकिन इस बार गार्ड्स पीछे पड़े हुए हैं और गोलियां भी चल रही है साथ में। वो कितना तेज भाग रहा है रिफ। ठीक है आ रहा हूँ भाई, गोलियां पड़ रही है मुझे लेकिन मैं आ रहा हूँ फिर भी किसी तरह। ये गलत में चढ़ के गया भाई, इससे इसने यार गार्ड की गन उठा ली थी, मेरे पास नहीं है। चलो ठीक है पहुंच ही गए सैम, फरार होने का टाइम आ गया है। अरे वाह बचपन की तरह, लेकिन इस बार नेथन ने बचाया सैम को, पुरानी मेमोरी। अरे सैम को गोली लग गई। लेकिन सैम तो Nate, your brother is dead. Either come with me or join him. Just have it your way. Sam, अभी तो कहानी स्टार्ट ही हुई थी, सैम इतना जल्दी कैसे मर गया? Sam, oh God, no. सब कुछ देख रहे हो कैसा हो गया सीन? सैम तो साथ में था लास्ट में जब खजाना लूटने जा रहे थे ये लोग। अब मैं भी कंफ्यूज हूँ भाई। I'm coming. ये कहां जा रहे? नीचे समुद्र में, बोट यहीं पे लेकिन पहुंचे। ओ भाई कान में पानी का आवाज आ रहा है, पता है खतरनाक स्टार्टिंग। गेम स्टार्ट हो रहा है, ओ भाई साहब एक घंटे के बाद गेम स्टार्ट हुआ है, ये गेम अब स्टार्ट हो रहा है। इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलो फिल गेम फैमिली, आज के एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और इसको मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि सैटरडे को। और जाने से पहले वीडियो लाइक कर लेना भाई, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।